14 में लिखा हुआ है द डायगनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26 मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 68 मीटर। ये एक रेक्टेंगल है आपके पास, ठीक है। इसका डायगनल जो है, डायगनल है 26 मीटर का। अच्छा, वही रेक्टेंगल में लेट कर लो, एक एक्स है और एक वाई है। पेरीमीटर इसका 68 मीटर है। पेरीमीटर क्या होता है कि भाई आप किसी भी शेप के ऊपर चलने लग जाओ तो जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे ना वो पेरीमीटर के बराबर होगा। अगर मैं इसकी बाउंड्री पे चलूँ, कितना डिस्टेंस कवर हो गया, एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स और टोटल क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, फिर अगेन एक्स है ये, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, फिर दोबारा यहाँ पे चलूँगा तो क्या हो जाएगा, दोबारा वाई हो जाएगा। तो टोटल अगर मैं इसके पूरे ऊपर चलूँगा तो कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, 2x प्लस 2y डिस्टेंस मैंने कवर किया। और यहाँ पे पेरीमीटर किसके बराबर लिखा हुआ है, 68 मीटर के बराबर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फाइंड इट्स एरिया, आपको एरिया मालूम करना है। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, डायगनल को आप किस तरह लिख सकते हो, अगर आप पाइथागोरस में लगाओ डायगनल की लेंथ क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। ये किसके बराबर है, 26 के बराबर है। अब करो क्या, आप सिंप्लीफाई करो, 2x प्लस 2y है, ठीक है। इसको आप 2 से अगर डिवाइड कर दो, इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 34 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक तो तरीका इसका यह कि मैं हिट एंड ट्रायल करूं, मैं अपनी तरफ से नंबर पुट करूं, लेट से मैं पुट करूं 22 और 12 पुट करूं, और 22 प्लस 12 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, मैं देखूं इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। अब हिट एंड ट्रायल करना मेरे ख्याल में इतना ईजी नहीं रहेगा, लेट से 22 प्लस 12 ही कर लेते हैं, तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 22 का स्क्वायर ऑलमोस्ट 440 प्लस, देखो रूट किसके बराबर आ रहा है, 26 के बराबर आ रहा है, करीब तीन रूट क्या होता है, 25, 625 आपको चाहिए, तो 144 प्लस मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो बेहतर आप कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे मसला हो सकता है। आप y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल लो, ठीक है, और इसके अंदर पुट कर दो, y क्या, x स्क्वायर लिखो अपनी जगह पे, y क्या है, 34 माइनस एक्स है, ठीक है, इक्वल टू 26। अच्छा, रूट हटाना है, स्क्वायरिंग कर लो, यहाँ से हट जाएगा रूट और इसको खोल दो, 34 का स्क्वायर निकालो, कैलकुलेटर ला करे मेरे पास हो, कैलकुलेटर मैं लाया नहीं हूँ, और अब 34 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यार ये अजीब चीज़ है। एक एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 24, एक एक्स की वैल्यू आएगी 10, ठीक है, तो ये आपके पास पेयर होंगे सही वाले, ठीक है। देखो अगर हिट एंड ट्रायल करके आंसर आपका आ जाए सही है, मैंने हिट एंड ट्रायल ज़्यादा टाइम ज़ाया किया नहीं है, अगर चाहो तो टाइम ज़ाया कर लेना, तो 24 प्लस 10 आपका 34 के बराबर है, और 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 26 के बराबर है, जब आपको एक्स की दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। अच्छा, मतलब हमने एक्स की दो वैल्यू निकाली है। अच्छा देखो, एक्स की दोनों वैल्यू निकाली है ना आपने, अगर आप ये इसके अंदर पुट करोगे, अगर आप यहाँ पुट करो, अगर 24 पुट करोगे 34 माइनस 24 10 आएगा, और अगर आप 10 पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर 34 माइनस 10, तो y वैल्यू क्या आ रही है, 24 आ रही है। कहने का मतलब यह है कि वो बोल रहे हैं कि आपका रेक्टेंगल इस तरह भी बन सकता है, इस तरह, और आपका रेक्टेंगल इस तरह भी बन सकता है जिसमें x छोटा हो y बड़ा हो। मतलब देखो, एक दफ़ा y 24 आ रहा है जब आपने x 10 पुट किया था, y बड़ा है x छोटा है, और एक दफ़ा x बड़ा आ रहा है, मतलब x 24 आ रहा है और y आपका 10 आ रहा है, मतलब x बड़ा है y छोटा है, तो इस कैलकुलेशन में ये आपको मसला होगा। लेकिन आपको इन शॉर्ट दो मिल जाएंगे, 10 और 24, आपको ये गर्ज नहीं है x बड़ा है y बड़ा है, लेंथ बड़ी है विड्थ बड़ी है, कुछ भी आपको नहीं है, आपको सिर्फ डायमेंशन चाहिए, ठीक है। आपको बेसिकली एरिया निकालना है, 24 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 240 आपके पास एरिया आ जाएगा, 240, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 15 में लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, दो नंबर हैं उनका सम जो है वो 25 है, एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस 125 के बराबर है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर, वो बोल रहे हैं फाइंड करो इन दोनों नंबर का डिफरेंस, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके देखो फाइंड करने का तरीका ये है, x प्लस वाई गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिवन है, x माइनस वाई निकालना है,
आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। आपको एक्स माइनस वाई निकालना है, डिवाइड करवा दो जाके, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 125 है, एक्स प्लस वाई 25 है, डिवाइड करो 5 आएगा आपके पास। तो डिफरेंस उन दोनों नंबर का 5 के बराबर आ गया। अगर ये वाला फॉर्मूला याद ना रहे तो फिर आपके पास वही लंबी वाली कैलकुलेशन होगी, y की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट करो, x y की वैल्यू आएगी। उसके बाद 16 क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 320 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या है, 320 है। इट्स वन साइड इज 4 मीटर लार्जर देन द अदर साइड। देखो लेट कर लो, एक साइड x है एक y है, तो एरिया आ रहा है 320, वन साइड इज 4 मीटर लार्जर, लेट कर लो x जो है वो 4 मीटर लार्ज है y से, मतलब y लेट कर लो अगर 20 है तो x क्या है 4 मीटर लार्जर, मतलब 24 है। द लेंथ ऑफ साइड्स, सिंपल पूछ रहे हैं x और y की आप वैल्यू निकालो। तो हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो इसको क्या। देखो अगर हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल 320 है। देखो ऑप्शन में x और y लिखे हुए ना, मतलब x और y इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 320 आना चाहिए, एरिया 320 है ना। 11 को 15 से मल्टीप्लाई करो 320 नहीं आएगा, 15 को 18 से करो 320 नहीं आएगा, 16 को 20 से करोगे तो 320 आएगा, 14 को 18 से करोगे तब भी 320 नहीं आएगा। 14 को 18 से करने आता है, 18 हो जाएगा 180 कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से पता चल जाएगा 16 और 20 है, और इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो लेट कर लो x जो है वो 20 है तो y क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 20 के बराबर हो जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल या ऑप्शन, इसको कहते हैं बैक सॉल्व करना, कि ऑप्शन देख के आप सॉल्व कर रहे हो, इस तरीके से भी आप अपना सवाल ईजी कर सकते हो। वरना मुश्किल तरीका क्या होता है, आप पुट करते और सॉल्व करते x और y की वैल्यू निकालते। खैर लिखा हुआ है इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 9, दो नंबर है जिनका सम जो है वो 9 के बराबर है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम क्या है 41 के बराबर है, देयर नंबर्स आर। अगेन भाई दो पॉसिबिलिटी क्या लिखी हुई है, 2 और 7। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, 3 और 6, 3 और 6 का सम 9 के बराबर है, ठीक है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों का स्क्वायर का सम 41 है, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, और ये 41 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है इसको छोड़ दो, इस पे आ जाओ। 4 प्लस 5 9 है, ठीक है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 25 प्लस 16 41 होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और दुआएं देते रहना। अल्लाह हाफिज़।